नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे बार बार सर्दी जुखाम का होना। यह आजकल जनमानस की एक आम समस्या है, जिसका प्रमुख कारण है हमारी घटती हुई प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ता हुआ प्रदूषण। जरा सा मौसम बदलने पर या क्लाइमेट के चेंज होने पर सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड का होना, अत्यधिक छींके आना, एक्सेसिव स्नीजिंग या मॉर्निंग में अत्यधिक छींके आना, किसी भी एलर्जेंट्स, धूल, धुआं, परफ्यूम या मसाले आदि के कारण हो सकता है। स्नीजिंग की शुरुआत या छींके आने की शुरुआत होना, नाक से और आँख से पानी आना, सिर में एवं आँख में दर्द होना, चेहरे पर दर्द या तनाव का महसूस होना, नाक में खुजली होना या नाक से पानी आना या नाक का बंद होना, हमेशा यह महसूस होना जैसे जुखाम जैसा बना हुआ है, बार बार गले में खराश होना, आवाज़ में भारीपन, मुख से सांस लेना या नाक से आवाज आना या स्नोरिंग होना। इन समस्याओं से कैसे बचें और वो कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनको अपनाकर हम इन परेशानियों से बच सकते हैं, तो पहला उपाय है निदान परिवर्जन। यथासंभव धूल, धुआं, टेम्परेचर वेरिएशन और एलर्जेंट से बचें एवं आवश्यकता पड़ने पर या ज़्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्रों में मास्क अवश्य लगाएं। दूसरा उपाय है सुबह और शाम नाक में सरसों का तेल लगाएं या षडबिंदु तेल या अणु तेल के दो दो बूंद का नस्य अवश्य करें, अर्थात दो दो बूंद षडबिंदु तेल या अणु तेल नाक में सुबह शाम अवश्य डालें। इससे नाक में आया हुआ अवरोध या कंजेशन या ब्लॉकेज समाप्त हो जाता है, साइनसेस में जमा हुआ बलगम बाहर निकलने लगता है, जिससे नाक से आवाज आना, सिर दर्द, भारीपन या गले की खराश में काफ़ी लाभ होता है। धूल, धुआं आदि के माध्यम से नाक में गया हुआ एलर्जेंट नेजल म्यूकोसा को इरिटेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये औषधियाँ नेजल म्यूकोसा के ऊपर एक लेयर बनाकर उसका लुब्रिकेशन बनाए रखती हैं एवं एंटी एलर्जिकल प्रॉपर्टी होने के कारण एलर्जिकल रिएक्शन को रोकती हैं। तीसरा उपाय है गोल्डन मिल्क का सेवन, अर्थात दूध और हल्दी का सेवन। यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अतः प्रतिदिन रात में एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीना चाहिए। चौथा उपाय है सिरसादि क्वाथ का नियमित रूप से सेवन करें। यह क्वाथ सिरिस, कंटकारी, मुलेठी और अड़ूसा या वासा जैसी दिव्य औषधियों से मिलकर बना है। ये चारों औषधियाँ सामूहिक रूप से इस प्रकार कार्य करती हैं। पहला, डिटॉक्सिफिकेशन। यह विषनाशक का कार्य करती हैं, शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनका संशोधन करती हैं। एंटी एलर्जिक अर्थात शरीर में होने वाले एलर्जिकल रिएक्शन को रोकती हैं, जिससे बार बार होने वाले अस्थमा या सर्दी जुखाम में काफ़ी लाभ होता है। एक्सपेक्टोरेशन का कार्य करती हैं, अर्थात नाक में और गले में जमाए हुए बलगम को ढीला करके बाहर निकालती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है, जिसके कारण श्वास नलियों में आए हुए सूजन को कम करती हैं और श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराती हैं। एंटी ट्यूसिव एक्शन होने के कारण बार बार गले में खराश का आना या खांसी आने की प्रवृत्ति को भी यह कम करती हैं। ब्रांको डायलेटर होने के कारण श्वसन नलियों को फैलाती हैं और श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती हैं। एंटी एमरेजिक एक्शन होने के कारण खांसी या बलगम के साथ आने वाले रक्त स्राव को भी यह औषधि बंद करती है।
इसलिए नियमित रूप से सिरसादि काढ़े का प्रयोग करने से इस बीमारी से या इन समस्याओं से बचा जा सकता है। मात्रा या प्रयोग, किस प्रकार से सिरसादि क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। 2 गिलास पानी में 2 चम्मच सिरसादि काढ़ा डालकर आग पर धीमी आंच पर पकाएं। उबलते उबलते 1/4 या 1/4 रह जाने पर छान लें और गुनगुना रहने पर पिए। इस प्रकार सुबह और शाम नियमित रूप से इस काढ़े का चाय के स्थान पर प्रयोग करें। धन्यवाद।